आज मैं आ गया अपने न्यू ब्लॉग के साथ। आज होने वाली हमारी फील्डिंग और कैचिंग। बाबा यार खेल यार बाबा मारी बाबू, जो मिल रहा वही खा लो, ऐसा मत खाओ।
थैंक यू। काट दिया बीच में से बॉल को, छूटना नहीं दे रहे हैं। और ये ड्रॉप, हाथ में से बॉल छूटी है आनंद के और ये ड्रॉप माना जाएगा। जान बचाओ के दिक्कत है, जितना बॉल के ऊपर चढ़ के आओगे इंटेंट अच्छा रखोगे फील्डिंग करने का, छूट जाए कोई दिक्कत, बट आपका इंटेंट आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए बॉल पर। जब आपका इंटेंट आपको पॉजिटिव अच्छा रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली बॉल अच्छे फील्ड होगा। तो सब टाइम नहीं है जरूरत मत मार, जैसे आनंद जाता हर बॉल को जाता है उठा, जरूरत है आज के बॉल हाथ में पकड़ेगा। तो दोनों चीज़ें काम करती है, आपके फिटनेस लेवल आपको बॉल तक पहुंचा सकता है, बट बॉल को पकड़ना कैसे है वो आपका टेक्निकल, ये भी ध्यान रखो। अगर आप ये सोचते हैं मैं टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं और फिटनेस में स्ट्रॉन्ग, बॉल तक पहुंच जाओगे। अगर आपको तरीका नहीं आगे बॉल पकड़ने का क्या करोगे, तो आपको दोनों चीज़ सीखनी। पहला काम है टेक्निकल सही करना, अगर आपका टेक्निक सही हो गया तो आपकी फिटनेस घर में इंप्रूव होगी, तो आप ऑटोमेटिकली फील्ड रखते हो गए। और जब टेक्निकल चीज़ें गलत हो जाएंगी तो फील्डिंग को फायदा, और फील्डिंग हमेशा आपके हाथ में रहती है। आप जितना इंप्रूव करना चाहे उतना करो, आपसे कोई छीनेगा। आप ग्राउंड में खड़े हो आपकी बॉल आपके हाथ ही पकड़ोगे, दूसरा नहीं पकड़ सकते। और जो जितना अच्छा फील्डर है वो उतना अच्छा बैट्समैन बॉल है। पहले बताओ फील्डर अच्छा रहोगे तो आपको चार लोग बुलाएंगे, चार लोग टाइट हैं, बैट्समैन बोला हल्के जाओ कोई दिक्कत नहीं, फील्डिंग कहेंगे भाई फील्डिंग इससे करता है। हाय गाइस, तो फाइनली हमारा फील्डिंग एंड कैचिंग सेशन खत्म हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा सेशन हुआ हमारा। तो मिलते हैं हम किसी और न्यू ब्लॉग में।